सिंगरौली में 22 अप्रैल को धूमधाम के साथ भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया जाएगा। ब्राह्मण एकता परिषद 22 अप्रैल को भगवान परशुराम की विशाल शोभा यात्रा निकालेगी। इसके बाद भगवान परशुराम का पूजन अर्चना किया जाएगा और अंत में महाप्रसाद का वितरण होगा। अक्षय तृतीया पर्व का हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्थान है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान परशुराम धरती पर अवतरित हुए थे, जिस वजह से इस दिन को परशुराम जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। इस बार परशुराम जन्मोत्सव 22 अप्रैल को संपूर्ण विश्व में मनाया जाएगा। इसी कड़ी में अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद ने सिंगरौली में धूमधाम से परशुराम जन्मोत्सव मनाने का फैसला किया है। परिषद के सदस्यों ने बताया कि 22 अप्रैल को सबसे पहले विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, इसके बाद भगवान परशुराम का पूजन अर्चन किया जाएगा। जैसा कि आज ग्राम पंचायत कसौर अपने गृह ग्राम में हमारे ग्राम पंचायत क्षेत्र के उप सरपंच परम सम्मानी श्री अशोक द्विवेदी जी के घर पर यह बैठक सुनिश्चित किया गया है कि हमारे जिले में 22 अप्रैल को हम सबके पुरोधा, हम सबके भगवान, जिनके पद चिन्हों पर चल कर हमारे पुरखों ने, हमारे पितरों ने, हमारे वेदों ने, हम सब ने आज तक अपने समाज के लिए अपने बीच में यह निश्चित किया था। यह परंपरा थी, कोई भी समाज हो जिसमें हमारे ब्राह्मण समाज का अहम भूमिका रही, आपके मार्गदर्शन में समाज में हमेशा शांति रही। उसी तारतम्य में अपने इष्ट देव की जन्म उत्सव में दिन शनिवार तारीख 22 अप्रैल स्थान जिला सिंगरौली रामलीला मैदान महाकुंभ का आयोजन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमारे जिले के पदाधिकारी और कार्यकारिणी के सदस्यगण आप सब मौजूद हैं। और अपने मित्र समाज से अनुरोध करता हूं कि आप 22 अप्रैल को भगवान परशुराम की जयंती में अधिक से अधिक जनसंख्या के रूप में पहुँचे और महाकुंभ का स्वयं आनंद ले। ब्राह्मण एकता परिषद सिंगरौली से यह ज्ञापन देना चाहते हैं कि 22 अप्रैल 2023 अक्षय तृतीया को भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था। उन्हीं के जन्म उत्सव के उपलक्ष में सिंगरौली 1400 गांव की सिंगरौली में आज ब्राह्मण समाज एकता का महासंगम होने जा रहा है। इस महासंगम में चाहे वह उत्तर प्रदेश सिंगरौली बैढ़न बरगवा से लेकर के और 700 सिंगरौली उत्तर प्रदेश में यहाँ से लेकर के औड़ी मोड़ तक में जितने भी ब्राह्मण समाज हैं, सब लोगों का भगवान श्री राम के, भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर समागम का कार्यक्रम जो रखा गया है यह बैढ़न रामलीला मैदान में, और वह उसको सफल बनाने के लिए सारे ब्राह्मण समाज से करबद्ध प्रार्थना है कि इसको बड़ा से बड़ा संगम बना करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया जाए। आरएसएस के स्वयंसेवक दिलीप शाह को सिंगरौली विकास प्राधिकरण अध्यक्ष बनाए जाने पर, सिंगरौली जिले के प्रभारी मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह द्वारा शपथ दिलाए जाने पर बहुत बहुत बधाइयां व शुभकामनाएं। सौजन्य समस्त भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता जिला सिंगरौली। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में।